नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कौशिक और आप देखना शुरू कर दिए हैं जन प्रहरी मीडिया। आज हम बात करेंगे कि आखिर दिल्ली को सीएम मिल ही गया। ना 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 ना, मिल नहीं गया, मिल गई जी। दिल्ली के राजनीतिक इतिहास की यह तीसरी घटना है कि दिल्ली को तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री मिल गई या मिलने जा रही है। पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी से हुई, दूसरी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी से हुई और फिर महिलाओं को एक बार आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी भी आतिशी को मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित कर चुका है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल इसकी घोषणा कर चुके हैं। अब आपके मन में होगा कि ये आतिशी कौन है, तो आतिशी का कोई राजनीतिक बड़ा पृष्ठभूमि नहीं है, एक साधारण महिला है, पढ़ी लिखी महिला है और भाषाओं पर इनका पकड़ है। 2013 में जब योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, आम आदमी पार्टी के मेंबर हुआ करते थे, तो उन्होंने ही आतिशी को आम आदमी पार्टी से जोड़ा था। यानी लगभग 10-11 साल का राजनीतिक सफर रखने वाली आतिशी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। जब 2013 में आतिशी पार्टी से जुड़ी, जैसा मैंने कहा कि वह भाषाओं पर पकड़ रखती है, हिंदी और इंग्लिश की अच्छी जानकार है, गुड ओरेटर हैं, इसके वजह से उन्हें टीवी डिबेटों में भेजा जाने लगा और टीवी डिबेट में जाकर अपने चेहरे को, अपने फेस को चमकाई। उनका एक फेस वैल्यूएबल होता गया पार्टी के स्तर पर, पॉलिटिकल स्तर पर और सोशल स्तर पर, दिल्ली के लोग, देश के लोग जानने लगे। 2016 में महिला सदस्य बनी पीएसी के, आम आदमी पार्टी के पीएसी यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की वह मेंबर बनी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो आम आदमी पार्टी की है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है, डिसीजन यहीं से लिया जाता है। किसी भी प्रकार के पार्टी का जो डिसीजन होता है वो पीएसी कमेटी से लिया जाता है, तो इसके इंपॉर्टेंट रोल में आतिशी रही और महिला सदस्य के रूप में रही। धीरे धीरे वह अपने फेस को और भी वैल्यूएबल करती गई, पार्टी पर पकड़ बनाती गई। जब 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था तो आम आदमी पार्टी आतिशी को पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ाती है, वहां के प्रत्याशी बनाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां एक बुरी हार का सामना करना पड़ता है आतिशी को और आतिशी तीसरे नंबर की सदस्य रह जाती है, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रह जाती है। लेकिन फिर जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है तो आतिशी को साउथ दिल्ली के कालिकाजी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया जाता है और यहाँ आतिशी को जीत मिलती है। आतिशी जब मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे दिल्ली का और एजुकेशन मिनिस्टर थे और पूरे देश में यह धारणा बनी थी कि दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम सुधर रहा है, स्कूल रिफॉर्म हो रहे हैं, स्कूल में एक नए आयाम गढ़ी में, ये सारी बातें जब हो रही थी और मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इसके क्रेडिट ले रहे थे, तो इस क्रेडिट के पीछे आतिशी का योगदान था। यानी आतिशी पीछे से मनीष सिसोदिया को, पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को एजुकेशन सिस्टम में हाउ टू रिफॉर्म के टिप्स दे रही थी, आइडिया दे रही थी, सजेस्ट कर रही थी और यहीं से धीरे धीरे मनीष सिसोदिया का विश्वास जीतती है, अरविंद केजरीवाल का विश्वास भी जीत। और जब मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल में जाते हैं तो यही आतिशी को मंत्री बनाया जाता है और लगभग वही विभाग आतिशी को दिया जाता है जो मनीष सिसोदिया के पास था, यानी शिक्षा, वित्त जैसे विभाग। और फिर कुछ दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल भी जेल में चले जाते हैं और जैसा आपको पता है 177 दिन अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हैं और इस दरमियान लगभग 14 दिल्ली के विभाग मंत्रालय आतिशी संभाल रही थी और वो भी महत्वपूर्ण विभाग। तो यह जो जिम्मेवारी थी आतिशी के ऊपर, इससे साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल का कितना विश्वास आतिशी के ऊपर था या है। और अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए, मनीष सिसोदिया के जेल में रहते हुए, संजय सिंह को जेल में रहते हुए आतिशी ने दिल्ली को और पार्टी को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल कर रखी और काम करती गई। ये दूसरी बात है कि दिल्ली आज भी आप आए तो आपको लगेगा पूरे देश का सबसे गंदा शहर है, जहां तहां
बहुत ही ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, वेस्टेज जहाँ तहाँ फेंके रहते हैं, कूड़ा करकट गार्बेज बहुत बहुत बुरा हाल है। लेकिन जो कुछ भी क्रेडिट मिल रहा था वो क्रेडिट आजसी ले रही थी और अपना एक फेस, वैल्यूएबल फेस बना रही थी। आजसी की विश्वसनीयता का यह परिणाम ही है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जमानत पर, तो अरविंद केजरीवाल जब इस्तीफा सौंपते हैं दिल्ली के लोगों के मन में चर्चाएं शुरू हो जाती है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा कौन। इसी बीच खबर आती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आजसी का नाम की घोषणा हो चुका है और अब आजसी दिल्ली की मुख्यमंत्री होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आजसी जैसी एक छोटा सा कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी और दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद का ऑफर कर दिया। आजसी कहती है, आगे कहती है कि उन्हें न कोई बधाई दे न कोई शुभकामना दे, वह चाहती है कि फिर से आने वाला जो विधानसभा चुनाव हो उसमें दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में चुने और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हो। तो हमारा विश्लेषण कैसा लगा और आजसी के संबंधित आपको जानकारी दिए, आप क्या सोचते हैं, क्या दिल्ली को आजसी जैसे मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल ही मिलना चाहिए, और ये सारी घटना चक्र से आम आदमी पार्टी को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी की क्या आगे की रणनीति होगी, इन सारे बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपना विचार अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत।